कोरोना वायरस लाहौर के तालीमी इदारों पर पंजे गाड़ने लगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देव समाज रोड कृष्ण नगर में कोरोना के केसेस मंजरेआम पर आ गए। स्कूल के 3 तालिबिल्मों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, कोरोना वायरस लाहौर के तालीमी इदारों पर पंजे गाड़ने लगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देव समाज रोड कृष्ण नगर में कोरोना के केसेस मंजरेआम पर आ गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M2 को मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड। 5,196 नए केसेस रिपोर्ट। 1,293 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। इक्तदार के लिए लगाया गया नारा खोखला निकला। नवाज शरीफ दौर की नस्बत करप्शन 24 दर्जे बढ़ गई। पाकिस्तान ने करप्शन में मजीद 16 मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। 180 मुल्कों की फहरिस्त में 140वें नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। नवाज शरीफ दौर में करप्शन इंडेक्स 116 दर्जे आया था। इससे ज्यादा करप्ट बदनवान और रिश्वतखोर हुकूमत मुल्की तारीख में नहीं आई। इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। इमरान दौर में सिर्फ चोरी और लूटमार में तरक्की हुई। मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, शहबाज शरीफ का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद इंटरनेशनल चोर निकला।